क्या आपकी भी शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं हो रही है? अरे हाँ भाई हाँ। हाँ तो टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अरे चलो आज मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिसे अगर आप लोग अपनी वीडियो में यूज करते हो तो आपकी वीडियो 100% वायरल हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत आसान है, नो टाइटल, नो डिस्क्रिप्शन, नो टैग एंड नो थंबनेल, और वीडियो ऐसा आपको लगता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो YouTube का सबसे बड़ा शॉर्ट चैनल A2 मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन अगर आप लोग इसकी वीडियो देखोगे तो उसकी वीडियो में पॉपुलर टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल सब देखने को मिल जाएगा। तो चलो आज मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक देने वाला हूँ, अगर आप लोग भी उसे अप्लाई करते हो तो आपको भी A2 मोटिवेशन सर की तरह आपकी भी वीडियो वायरल जाएगी। और अगर आप लोग लास्ट वाली ट्रिक नहीं देखते हो ना तो आपकी वीडियो कभी वायरल नहीं होने वाली है, इसीलिए पूरा ट्रिक देख कर ही जाना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं ब्रो, वीडियो स्किप कर लो। नंबर 1, रोज़ वीडियो अपलोड करना। अगर आप लोग रोज़ वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओ कि अगर आपकी कोई वीडियो वायरल होने वाली है, क्योंकि कोई कोई बंदा तो ऐसा है कि रोज़ की 5 वीडियो अपलोड करता है और दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन कुछ नहीं। भाई ऐसा मत करो, रोज़ की 2 वीडियो अपलोड करो। अगर 2 वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो तो 1 वीडियो अपलोड करो, अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो रहने दो भाई, तुमसे ना हो पाएगा YouTube वीडियो। नंबर 2, वो है वीडियो का लेंथ। अभी YouTube का एक ऐसा अपडेट आया जिससे अगर आपकी वीडियो 30 सेकंड से ऊपर होती है, शॉर्ट वीडियो, तो उसे कोई भी बंदा स्किप करके देख सकता है, और उससे आपका ऑडियंस रिटेंशन डाउन होगा और आपकी वीडियो पड़ी की पड़ी रह जाएगी यार, सारा मेहनत बर्बाद। हाँ तो अगर आपकी वीडियो में अच्छी स्टोरी, अगर आप लोग एक पुराने यूट्यूबर हो, आप लोग ऐसा कर सकते हो कि अपनी ऑडियंस को 1 मिनट रोक सकते हो, तो बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लोग नए यूट्यूबर हो तो आपको अपनी वीडियो का लेंथ 29.9 सेकंड रखना है, 30 सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी बंदा स्किप करके भगा सकता है आपकी वीडियो को, इसीलिए 29.9 सेकंड ही आपकी वीडियो को लेंथ रखना है, क्योंकि यूट्यूब ने ऐसा अपडेट ही कर दिया यार, अब क्या कर सकते हैं। वैसे मुझे भी बहुत मज़ा आता है दूसरों की वीडियो स्किप कर करके देखने में। अरे साले। नंबर 3, वो है टाइटल। हाँ भाई, हम तो सेम सेम पारा लगा देंगे, सभी बड़े यूट्यूबर यही करते हैं, हम भी सेम सेम पारा लगाया करेंगे। देखो गाइस, सेम सेम पारा एक ऐसा टाइटल है जो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी वीडियो में लगा सकते हो, लेकिन जब आपके 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आप अपनी चैनल को मोनिटाइज करने के लिए भेजोगे तो आपका चैनल रिव्यू से रिटर्न फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये टाइटल की वजह से कितने बंदों को तो सिल्वर प्ले बटन तक नहीं मिला। हाँ तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना, टाइटल आपको वीडियो के हिसाब से ही रखना है। अगर आप अपनी वीडियो में फैक्ट बता रहे हो तो आपके टाइटल में भी फैक्ट होना ही चाहिए और आपके डिस्क्रिप्शन में भी फैक्ट होना चाहिए। नंबर 4, वो है ट्रेंडिंग टॉपिक। हाँ गाइस, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाना सीखो यार। ट्रेंडिंग टॉपिक पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा गलती से एक वीडियो बना देता है और उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। अभी देखो, हाल ही में Badge99 ने अपना फेस रिवील किया तो सभी यूट्यूबर ने उस पर रिएक्शन दिया, क्यों? क्योंकि भाई वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और देखो सभी यूट्यूबर के अच्छे खासे व्यूज भी आए क्योंकि बंदे उसे देखना पसंद करते हैं। तो आप भी ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाना सीखो। 5, वो है वॉइस ओवर एंड वीडियो क्वालिटी। हाँ गाइस, अगर आप लोग कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं आती है और आपकी वीडियो क्वालिटी भी ख़राब है, तब तो भाई भूल ही जाओ कि आपकी वीडियो वायरल होने वाली है। तो आपको वीडियो की क्वालिटी कम से कम 1080p तो रखना ही पड़ेगा यार, और फ्रेम रेट 30, उससे कम तो रखने वाले हो नहीं, क्योंकि भाई उससे कम रखोगे तो वीडियो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। वैसे चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, और हाँ कमेंट में कोई ये नहीं लिखेगा कि भाई पहले अपनी वीडियो वायरल कर ले, क्योंकि ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना।